एडिडास, एप्पल, BMW, कोका कोला और टोयोटा जैसे ब्रांड्स तो आपने बहुत बार देखे होंगे, पर क्या आपने इन ब्रांड्स के अलग और दिलचस्प लोगों को समझने की कोशिश की है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर लाइन, हर कलर और हर शेप के पीछे अपना एक अलग मतलब है, और बहुत सारे ब्रांड्स तो अपने लोगों के साथ साथ अपनी एक अलग कहानी, अपने स्ट्रगल तक को इंडिकेट कर देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही अमेजिंग 8 लोगों के बारे में। नंबर 8, ह्युंडई। बहुत सारे लोग ह्युंडई जैसी साउथ कोरियन कंपनी को देखकर सोचते हैं कि इस कंपनी का लोगो इसके फर्स्ट लेटर यानी H से सिंबलाइज है, पर ऐसा है नहीं। कंपनी का लोगो यानी H दो लोगों का जिक्र करता है, जिसमें एक क्लाइंट है और दूसरा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो हाथ को मिलाता हुआ दर्शाता है। नंबर 7, एडिडास। दोस्तों, एडिडास का नाम ही उसके फाउंडर एडोल्फ डैसलर से होकर रखा गया था, पर इसके लोगो को समय के साथ साथ बदला गया, पर हमेशा ही इस कंपनी के लोगो में हमें 3 स्ट्राइप्स देखने को मिली। एडिडास के अभी करंट लोगो में 3 स्ट्राइप्स को एक ही एंगल या पैटर्न के साथ ट्रायंगल बनाए हुए है, जो सिंबलाइज करता है एक पहाड़ को और रिप्रेजेंट करता है चैलेंजेस को जो हर स्पोर्ट्समैन को फेस करने पड़ते हैं। नंबर 6, एप्पल। रॉब डैनोफ के द्वारा बनाया गया एप्पल का लोगो एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें रॉब डैनोफ ने बताया कि उन्होंने पहले बहुत सारे एप्पल्स खरीदे, उन्हें एक बकेट में रखा और अलग अलग शेप से हफ्तों तक बहुत सारे डिजाइन बनाए, पर उन्हें एक सिंपल और अट्रैक्टिव डिजाइन चाहिए था। इसी के साथ एप्पल की एक बाइट लेना भी एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा था, और कोइंसिडेंटली उन्हें बाइट के साथ कंप्यूटर में यूज हो रही बाइट वाली यूनिट इन्फॉर्मेशन का आइडिया रियलाइज हुआ, और इसी के साथ उन्होंने ये लोगो फाइनल किया। नंबर 5, अमेज़न। दोस्तों, अमेज़न का लोगो हमेशा से ही कुछ स्पेशल नहीं था, क्योंकि ये लोगो कंपनी की फिलॉसफी के साथ डिजाइन किया गया था, जिसमें ऑरेंज एरो एक मुस्कुराहट को दर्शाता है, जैसे ही कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाई देखना चाहती है। साथ ही ए से जेड तक का ऑरेंज एरो हर वैरायटी और कैटेगरी होने का हिंट देता है। नंबर 4, बास्किन रॉबिंस। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के लोगो को ध्यान से देखें तो आपको बी और आर के बीच में 31 नंबर नजर आएगा, जो इस आइसक्रीम कंपनी के फ्लेवर्स को दर्शाता है। नंबर 3, टोयोटा। दोस्तों, बहुत लोग इस कंपनी के लोगो को काउबॉय हैट की तरह देखते हैं, पर ऐसा है नहीं। इस लोगो में कंपनी की हिस्ट्री को दिखाया गया है, जिसमें सुई की आंख में धागे को डले हुए दिखाया गया है, जिसका मतलब है कंपनी में पहले बनाई जाने वाली वीविंग मशीन यानी बुनाई की मशीनों को दर्शाता है। साथ ही लोगो में ही कंपनी के नाम के अक्षरों की भी झलक दिखती है। नंबर 2, BMW। दोस्तों, BMW के लोगो में सफेद और नीला रंग फाउंडिंग कंट्री के बेवेरियन फ्लैग को दर्शाता है, जो जर्मनी का स्टेट है। साथ ही लोगो का बीच का हिस्सा एरोप्लेन के रोटेटिंग ब्लेड्स को दर्शाता है, जो कंपनी की हिस्ट्री में एविएशन टेक्नोलॉजी को बताता है। नंबर 1, कोका कोला। दोस्तों, कोको कोला का वैसे तो कोई भी लोगो है ही नहीं और कभी रहा भी नहीं, पर अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखें तो लास्ट में ओ और एल के बीच में इस कंपनी की कंट्री यानी डैनिश फ्लैग दिखेगा, जो अपने आप में ही एक कोइंसिडेंट से कम नहीं है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही फैक्टप्रेन्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।